अभी हम पढ़ेंगे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, मतलब अपेंडिक्स। अपेंडिक्स कहाँ प्रेजेंट होता है? पोस्टीरियर वॉल ऑफ सीकम, मतलब सीकम मतलब जो बिगिनिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन है उससे एक आउटग्रोथ निकलता है पोस्टीरियर मीडियल सर्फेस पे, जिसको हम बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? अबाउट 2 सेंटीमीटर बिलो इलियोसिकल ऑरिफिस, मतलब इलियोसिकल जो ऑरिफिस होता है उससे 2 सेंटीमीटर नीचे प्रेजेंट होता है। सो ये डायग्राम है, सीकम है, सीकम से एक आउटग्रोथ निकलता है जिसको हम बोलेंगे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। सीकम से लेके वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स में एक अपर्चर होता है जिसको वैल्व ऑफ गर्लिक्स कंट्रोल करती है, मतलब वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स को रेगुलेट करने वाली जो वैल्व है वो है वैल्व ऑफ गर्लिक। सीकम और इलियम के बीच में जो प्रेजेंट है वो है इलियोसिकल जंक्शन। सो इलियोसिकल जंक्शन से 2 सेंटीमीटर नीचे जो एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, जिसको वैल्व ऑफ गर्लिक रेगुलेट करती है। उसके बाद इसके डायमेंशन, इसके डायमेंशन वेरी कर सकते हैं। इसकी जो डायमेंशन है वो है 2 to 20 सेंटीमीटर तक, लेकिन इसका एवरेज है 9 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है वो है 5 mm, लेंथ है एवरेज 9 सेंटीमीटर और डायमीटर है 5 mm। इसकी जो पोजीशन है, अपेंडिक्स कहाँ प्रेजेंट होता है? राइट इलेक फोसा में। अपेंडिक्स जो है वो हमको सीकम से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अपेंडिक्स के डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन हो सकते हैं। अगर वो 12 o'clock पोजीशन से निकल रहा है अपेंडिक्स तो उसको हम बोलते हैं रेट्रोकोलिक अपेंडिक्स। अगर वो 2 o'clock पोजीशन से निकल रहा है तो उसको हम बोलते हैं स्प्लेनिक अपेंडिक्स। 3 o'clock से हम बोलेंगे प्रोमोन्ट्रिक अपेंडिक्स। 4 o'clock से पेल्विक, 6 o'clock से सब फीकल या मिड इंग्वाइनल अपेंडिक्स, या फिर 11 o'clock पोजीशन से हम बोलेंगे पैराकोलिक अपेंडिक्स। सो ये अपेंडिक्स के पोजीशन हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वो सीकम से कहाँ से ओरिजिन हो रहा है। सो ये हमने डिस्कस किया पोजीशन ऑफ अपेंडिक्स। उसके बाद हम देखेंगे इसके ऑरिफिस। सो अपेंडिकुलर अपेंडिक्स में जो ऑरिफिस प्रेजेंट होता है, जो ओपनिंग है अपेंडिकुलर की अपेंडिक्स में सीकम की, उसको हम बोलेंगे अपेंडिकुलर ऑरिफिस। तो ये कहाँ है? सीकम के 2 सेंटीमीटर बिलो प्रेजेंट है इलियोसिकल ऑरिफिस, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इसमें जो इलियोसिकल वैल्व है इसके 2 सेंटीमीटर बिलो नीचे क्या है? अपेंडिकुलर की ऑरिफिस है, मतलब अपेंडिकुलर ऑरिफिस इज 2 सेंटीमीटर बिलो इलियोसिकल ऑरिफिस, जो यहाँ पे मेंशन है कि अपेंडिकुलर ऑरिफिस जो है वो कहाँ है प्रेजेंट है 2 सेंटीमीटर बिलो इलियोसिकल ऑरिफिस। अपेंडिकुलर ऑरिफिस को जो वैल्व रेगुलेट करती है वो है वैल्व ऑफ गर्लिक। एक मैक बर्नर्स पॉइंट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम अपेंडिक्स को मैक्सिमम फील कर सकते हैं, मतलब अपेंडिसाइटिस में, मतलब अगर अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो मैक्सिमम टेंडरनेस या मैक्सिमम हार्डनेस जहाँ पे फील हो सकती है वो है मैक बर्नर्स पॉइंट। सो मैक बर्नर्स पॉइंट पे हम अपेंडिक्स को फील कर सकते हैं, पालपेट कर सकते हैं। पेरिटोनियल रिलेशन इसका क्या है? मेजो अपेंडिक्स या फिर अपेंडिकुलर मेसेंट्री, जो कि क्या है? ट्रायंगुलर फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है। इसका ब्लड सप्लाई क्या क्या है? आर्टेरियल सप्लाई इसका इलियोकोलिक आर्टरी, वेनस सप्लाई इसका है अपेंडिकुलर इलियोकोलिक सुपेरियर मेसेंट्रिक वेन और पोर्टल वेन। इसका जो नर्व सप्लाई है वो है सिंपथेटिक नर्व्स T1 और T9 और T10। पैरासिंपथेटिक नर्व्स है जो कि वेगस है। लिम्फेटिक ड्रेनेज है इसका इलियोसिकोलिक नोड्स। लास्ट में हम इसके पढ़ेंगे क्लिनिकल एनाटॉमी, जिसमें अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स और आइटिस, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ आइटिस। आइटिस वर्ड का मीनिंग है इन्फ्लेमेशन। अपेंडिक्टोमी, टोमी मतलब रिमूवल, मतलब रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स। उसके बाद है मैक बर्नर्स पॉइंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बताया है कि मैक्सिमम टेंडरनेस अपेंडिसाइटिस की हम वहाँ फील कर सकते हैं, मतलब अपेंडिसाइटिस को मैक्सिमम अगर पालपेट करना हो तो हम मैक बर्नर्स पॉइंट ढूंढेंगे। मैक बर्नर्स पॉइंट कहाँ है? वो एक लाइन पे प्रेजेंट है जो अम्बिलिकस को राइट सुपीरियर एंटीरियर सुपीरियर इलेक स्पाइन से ज्वाइन करती है। मतलब मैक बर्नर्स पॉइंट कहाँ प्रेजेंट है, या फिर मर्फीज पॉइंट कहाँ प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है अम्बिलिकस को एंटीरियर सुपीरियर इलेक स्पाइन के बीच में एक जो पॉइंट होता है वहाँ होता है मर्फीज पॉइंट या फिर मैक बर्नर्स पॉइंट, जहाँ पे हम अपेंडिक्स को मैक्सिमम पालपेट करते हैं। तो यहाँ पे हम अपेंडिसाइटिस को पालपेट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है रेफर्ड पेन। रेफर्ड पेन में क्या होता है कि अपेंडिसाइटिस का जो पेन है वो हमें अम्बिलिकस में मिल सकता है, इसी को हम बोलते हैं रेफर्ड पेन। मतलब अगर कोई अपेंडिक्स में जो भी इंजरी होती है या कोई इन्फ्लेमेशन होता है तो हमको वो अम्बिलिकस में मिल सकता है, इसी को हम बोलते हैं रेफर्ड पेन। रेफर्ड पेन का मतलब क्या होता है कि पैथोलॉजी कहीं और है लेकिन फिजियोलॉजी कहीं और दिख रही है, मतलब इन्फ्लेमेशन तो अपेंडिक्स में है लेकिन उसका जो पेन है वो अम्बिलिकस में फील हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं रेफर्ड पेन। सो ये था अपेंडिक्स, जिसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंटली डिस्कस किया मर्फीज पॉइंट। मर्फीज पॉइंट क्या होता है, क्या होता है? जहाँ पे हम अपेंडिक्स को मैक्सिमम टेंडर कर सकते हैं, मैक्सिमम पालपेट कर सकते हैं। मर्फीज पॉइंट कहाँ होता है? एक लाइन पे जो अम्बिलिकस को एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन ऑफ हिप बोन को कनेक्ट करती है। सो ये वीडियो में हमने डिस्कस किया वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स।